Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. आज दिल्ली के मोहन गार्डन में पानी व बिजली को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक पवन शर्मा व ध्यान कमेटी एसडीएमसी के चेयरमैन श्याम मिश्रा की अगुवाई में दिल्ली सरकार के खिलाफ मार्च निकाला और आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान के ऑफिस के बाहर नारेबाजी की और मटके फोड़े। भारत माता की जय। हमारे महात्मा गांधी जी, भाई नरेश अग्रवाल जी, उनके साथ ही हमारे नगर निगम पार्षद श्री श्याम मिश्रा जी, बहन सविता जी, श्री संतलाल जी, गंदा पानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, विधायक शीश शरम करो, शरम करो, शरम करो, कम से कम दूध मरो, दूध मरो, दूध मरो, केजरीवाल शरम करो, शरम करो, शरम करो, सीवर लाइन चालू करो, बंद करो, करो, केजरीवाल शरम करो, शरम करो, शरम करो, केजरीवाल हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। हमने बीजेपी नेता पूर्व विधायक पवन शर्मा व श्याम मिश्रा व कार्यकर्ताओं से बात की। चार साल पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि मैं बिजली को हाफ करूंगा, पानी को माफ करूंगा, महिलाओं को सुरक्षा दूंगा, एक साल में 500 नए स्कूल बनाकर दूंगा, नए हॉस्पिटलों का निर्माण करूंगा, सीवर की व्यवस्था करूंगा और साथ साथ में दिल्ली की जनता के ऊपर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये सारे के सारे वादे 4.5 साल पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसी आधार के ऊपर जनता को बुलाकर वोट को हासिल किया था। जनता ने 70 सीटों में से 67 सीटें केजरीवाल की पार्टी को जितवा कर भेजा, लेकिन 4.5 साल से जो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के हालात पैदा किए हैं, पीने का पानी नहीं आता, ये मेरी बहन जो है खाली मटका लेकर खड़ी हुई है, इसमें कोई पानी की बूंद नहीं है। इसके साथ में ही बिजली का 8 घंटे से 12 घंटे तक की कटौती रहती है और वो कहते थे कि बिजली को मैं हाफ करूँगा, बिजली तो अपने आप ही हाफ हो जाएगी, जब बिजली आएगी ही नहीं तो बिजली का दाम कैसे आएगा। इसी कारण से उन्होंने कहा था 500 स्कूलों को नए भवनों का निर्माण करके दिल्ली के दिल्ली की जनता को मैं उन माँ बाप को राहत पहुंचाऊंगा जिनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते। दिल्ली के अंदर एक भी स्कूल का निर्माण नहीं हुआ, केवल उन्होंने कहा हमने कुछ कमरे बनाए हैं, वह कहाँ बने हैं, किस रूम में बने हैं, कौन से कमरे हैं, किन जगहों पर बने हैं, इनको बताने के लिए वह तैयार नहीं है। उन्होंने कहा था कि हर वर्ष 100 हॉस्पिटलों का निर्माण करूंगा। दिल्ली में कितने हॉस्पिटल बने हैं आज उसका कोई अंदाजा नहीं है। ये विधायक का दफ्तर है, 4.5 साल से उत्तम नगर विधानसभा की जनता इनको ढूंढ रही है, ये कहीं दिखाई नहीं देते। कोई शिवर नहीं है जो चालू, यहाँ पर शिवर हुआ नहीं है, नई नालियाँ बनी नहीं है, लेकिन जो सड़कें इस पवन शर्मा जी ने उसमें एक साल में बनाई थी उन सारी को तोड़कर जगह जगह के ऊपर ऐसा प्रतिबंध लगा दिया है कि जैसे कोई आ जा ही नहीं सकता। इसके कारण से हमारे नगर निगम पार्षद यहाँ पर खड़े हैं, हमारे मंडलों के अध्यक्ष खड़े हैं, हम मांग करते हैं कि या तो केजरीवाल त्याग पत्र दे और नहीं तो दिल्ली की जनता उनको रहने नहीं देगी। और इसके कारण से आज तो हम यहाँ पर आए हैं, हम कल केजरीवाल के जाएंगे और केजरीवाल को घेराव करेंगे और जब तक वो मुख्यमंत्री है उसको टिकने नहीं देंगे। ये हमारा आज के इस संघर्ष का ऐलान है। भारतीय जनता पार्टी पूरे विधानसभा में तैयार है और सभी कार्यकर्ता, भाजपा के सभी कार्यकर्ता तैयार है और इस चुनाव के लिए सभी हमारे निगम पार्षद, हमारे 5 निगम पार्षद, 5 मंडलाध्यक्ष, सारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है और जब तक हम यहाँ से विधायक जिताएंगे नहीं कोई कार्यकर्ता यहाँ बैठेगा नहीं। आज हम देख रहे हैं आप मोहन गार्डन में गलियों गलियों में घूमे, पानी की मांग को लेकर और लास्ट में जो यहाँ के
नरेश बालियान जी जो आम आदमी पार्टी के विधायक उनके दफ्तर के बाहर आए, तो क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए इतना पानी, बदबूदार पानी है कि हम पीना तो छोड़िए नहा भी नहीं सकते। आज जनता त्रस्त था, तभी तो यहाँ तक लोग आए, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आए। आज आपने देखे पूरा कितना आक्रोश था जनता में, और यह जनता के आक्रोश जो है ये वोट में तब्दील होगा। जैसे आपने लोकसभा में देखा वैसे विधानसभा में भी होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अब पानी का पूरा डिपार्टमेंट है, आज बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज कहीं भी पानी साफ नहीं आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है, बिजली 12-12 घंटा कटौती है, जनता बहुत परेशान है। आज देखिए कि केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि RWA के लोग भी, जनता भी आज सारा विरोध किया है, और आज देखिए कितना विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ तक आया है। और इतनी गर्मी में, 48 डिग्री गर्मी में भी आज ये 4-5 किलोमीटर पैदल चल के लोग यहाँ तक आए हैं। मैं आपके माध्यम से मैं सभी जनता को धन्यवाद देता हूँ, और दिल्ली सरकार से मांग करता हूँ कि आप जागिए, और आपका 4.5 साल हो गया आपको सोए हुए, अब जागिए और गंदा पानी बंद कीजिए, साफ पानी दीजिए, और बिजली कटौती बंद कीजिए, क्योंकि इतनी गर्मी में जीना मुश्किल हो गया है। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार मिश्रा जी। प्रदीप कुमार मिश्रा जी, जैसे हम देख रहे हैं जो नरेश बालियान है आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उसके दफ्तर के बाहर आम लोग खड़े और पानी की मांग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? आज हजारों कार्यकर्ता श्री पवन शर्मा जी के साथ पानी और बिजली और शिवर के लिए आए हुए हैं। आप देखिए एक एक हज़ार, दो दो हज़ार कार्यकर्ता हर वार्ड से आए हुए हैं, और यह शिवर अभी तक चालू नहीं हुआ है। पानी गंदा आता है, बिल आते हैं, कोई माफ़ नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। हम लोगों ने ठाना है या तो बिजली हमें दी जाए 24 घंटे, या पानी साफ दिया जाए, या शिवर चालू किए जाए। आप देखिए चारों पांचों वार्ड में सारे रोड खोद के डाल दिए गए हैं, किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी इंसान को चलने फिरने के लिए रास्ता नहीं है। इस बार यही देख रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने कितनी बुरी हालत कर रखी है। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं नरेश बालियान जी, उन्होंने ऐसा कर रखा है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, वो किसी के सामने नहीं आ रहे हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा है, पानी इतना गंदा आ रहा है। अगर हमारी माएँ बहनें पानी भरने के लिए शाम को निकलती हैं, उसमें नाली जैसा पानी आता है, शिविरों का पानी हमारे पीने के लिए मिल रहा है, हमारे को पानी तक की सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं उनको स्कूलों में शिक्षा का अच्छा कोई भी नहीं मिल रहा है। गर्मियों में इतनी बुरी हालत हो रखी है, वहाँ पर पानी पीने योग्य नहीं है। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। लाइक शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।